दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से CST के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ईमेल पर उसकी PDF फाइल भेज दी जाती है। इसके अलावा 10 से 15 दिन के अंदर ओरिजिनल पैन कार्ड भी आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। जिसमें कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि जो ऑनलाइन पैन कार्ड ईमेल पर आता है उसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, जिसकी कंप्लेंट बार बार कस्टमर हमसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर का पैन कार्ड अभी 10-15 दिन के अंदर उसके घर पर डिलीवर नहीं हुआ है और उसको पैन कार्ड की अर्जेंट नीड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पैन कार्ड का PVC कार्ड उसको प्रिंट करके दे देते हैं। पैन कार्ड को जब हम प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर सिग्नेचर आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा लाइट प्रिंट होता है, और उसकी कंप्लेंट कस्टमर भी करता है या फिर पैन कार्ड को जहां पर भी वो इस्तेमाल करते हैं यानी किसी बैंक वगैरह में, तो वो भी इस चीज के बारे में उन्हें बोलते हैं। आज मैं आपको इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ईमेल द्वारा जो भी ई पैन कार्ड हमारे पास भेजा जाता है उसको हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे ताकि आपका जो सिग्नेचर होगा वो बहुत ही क्लियर आएगा और कस्टमर इसकी कंप्लेंट भी आपसे नहीं करेगा। तो चलिए आज सीखते हैं कि आप किस तरीके से पैन कार्ड के सिग्नेचर को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं UTI की तरफ से हमारे पास मेल आ चुकी है, यानी जो हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था वो पैन कार्ड हमारा मेल के थ्रू हमें भेज दिया गया है। इस मेल को जैसे हम यहां पर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके सबसे नीचे की तरफ आपको यहां पर PDF फाइल दिखाई देगी, और इस PDF फाइल को आपको यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। अब इसे आप डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन ये बेसिकली एक इंक्रिप्ट फाइल है, यानी कि इसमें एक पासवर्ड डाला गया है। तो इसका पासवर्ड है क्या, इसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 29/2/1972 है तो उसको इस तरह के फॉर्मेट में इस पासवर्ड को डालना होगा, यानी 2902-1972। अगर आप इसमें डालेंगे तो आपका जो पासवर्ड है यहाँ से ओपन हो जाएगा, यानी आपकी जो PDF फाइल है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार PDF फाइल ओपन करके दिखा देना चाहूँगा। तो हम चले जाते हैं सीधे डाउनलोड पर। डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके की PDF फाइल डाउनलोड होगी। इसको जैसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ से हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हम इसका पासवर्ड फटाफट फिल कर लेते हैं, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो PDF फाइल है वो लगभग इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं आपकी फर्दर डिटेल्स होंगी, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन इसके सिग्नेचर की अगर हम बात करें, पैन कार्ड को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर हमारे पास ईमेल के थ्रू पैन कार्ड भेजा गया है उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट है। और अगर आप ये कस्टमर को प्रिंट करके देते हैं तो कस्टमर आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर टोकता है। तो आज मैं आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो PDF आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, अब हम चले जाते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आने के बाद उस PDF को हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ से डबल क्लिक करते हुए हम डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और उस पैन कार्ड को यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर भी हम इसे पासवर्ड डाल करके ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने PDF सिक्योरिटी का आपको एक मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर द डॉक्यूमेंट परमिशन पासवर्ड टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप इसे बार बार पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पर आपकी PDF फाइल इन केस में ओपन नहीं होती, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देना चाहूंगा। यहाँ से हम वापस से अपनी PDF फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से हम कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ जैसे हम यहाँ पर P प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको प्रिंटर को सेलेक्ट करते हुए सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सेव प्रिंट आउटपुट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आप अपनी फाइल को रखना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर कोई फाइल को नाम दे देते हैं, तो हम यहाँ पर फाइल को नाम दे देते हैं पैन कार्ड, और उसके बाद यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम वापस से डबल क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पर आते हैं, और यहाँ पर पैन कार्ड के नाम से जो हमने फाइल यहाँ पर सेव की थी उस फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फोटोशॉप का आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है, हमारे पास जो फोटोशॉप का वर्जन है वो है CS6। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी और करने वाले हैं। तो हम इस फाइल को यहाँ से ड्रैग करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो उसको कोई और नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेम नाम रहने देते हैं। हम इसको वापस से एडजस्ट करने के बाद हम सिग्नेचर को यहाँ पर जूम करने वाले हैं। तो फटाफट हम सिग्नेचर को जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जूम करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करनी है कंट्रोल के साथ। जैसे आप यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पर जूम हो जाएगी, और स्पेस के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी स्पेस आपको दबा के रखना है।
और अपने माउस से क्लिक को दबा के रखना है और उसको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें इस सिग्नेचर को यहाँ से क्लियर करना है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहला वाला टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से इस रेक्टेंगल वाले टूल को सेलेक्ट करते हुए इसके सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बीच में आ जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लेयर विया कट का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लेयर विया कट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में आपको एक लेयर दिखाई दे जाएगी लेयर टू के नाम से, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको लेयर वन दिखाई देगा जिस पर हमारा ये पूरा का पूरा पैन कार्ड है और सिग्नेचर को हमने अलग से लेयर टू पर कट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इस लेयर वन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट लेयर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर डिलीट करने की परमिशन आपसे मांग रहा है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे तो हमारी यहाँ पर लेयर जो होगी बैकग्राउंड वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इमेज वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रिम का, ट्रिम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जो सेटिंग्स यहाँ पर की गई है उसे बाय डिफॉल्ट आपको रहने देना है, यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उस पूरी फाइल में से हमारे सामने केवल सिग्नेचर यहाँ पर अलग हो चुका है। अब हमें इस फाइल को जेपीजी में सेव कर लेना है। जेपीजी में सेव करने से पहले आपको यहाँ पर एक बार कंट्रोल एम का इस्तेमाल करना है, यानी कर्व का इस्तेमाल करना है और यहाँ से इसकी लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ करना है ताकि आपकी जो सिग्नेचर हो वो थोड़ा सा यहाँ से डार्क हो जाए। डार्क करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस इस्तेमाल करना है, यानी सेव करने के लिए इस फाइल को यहाँ पर कंट्रोल एस का आप इस्तेमाल करेंगे। डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी फाइल को कहीं भी सेव करके रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ आपको एक्सटेंशन यानी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको जेपीजी सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर हम जेपीजी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देना है। यहाँ पर आपकी जो क्वालिटी होगी उसको सबसे लास्ट पॉइंट पर आपको रखना है, यानी सबसे ज़्यादा रखना है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ से डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी remove.bg, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हुए डेस्कटॉप को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल जेपीजी में यहाँ पर सेव थी उस फाइल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसे ओपन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओपन पर क्लिक करते ही ये कुछ समय में ही हमारी जो फाइल होगी उसके पीछे से बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर देगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी जो सिग्नेचर होगा उसका बैकग्राउंड यहाँ से आसानी से रिमूव हो चुका है। अब हमें वापस से अपने फोटोशॉप में आना है। फोटोशॉप में आने के बाद इस वाली फाइल को यहाँ से हमें हटा देना है। हम यहाँ से इस फाइल को यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद हमने सिग्नेचर के बैकग्राउंड को जो रिमूव किया था उसको यहाँ से हम इम्पोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर की जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और इसके बाद हमें यहाँ से जाना है इमेज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो टोन का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऑटो टोन पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एडजस्टमेंट में जा करके सिलेक्टिव कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको जो कलर सेलेक्ट करना है वो ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से इस ब्लैक वाले सेक्शन को आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो इसमें थोड़ी सी ब्लैकनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है वो पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। अब हम चले जाते हैं अपने पैन कार्ड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो उसको हम यहाँ से सबसे पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए सबसे पहले इस सिग्नेचर को यहाँ से हम जूम कर लेते हैं कंट्रोल के साथ प्लस दबा करके और स्पेस की मदद से हम सिग्नेचर तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहां पर आ जाना है टूल्स पर और यहां पर आपको दिखाई देगा पैच टूल का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके यहां से पैच टूल को सेलेक्ट कर लेना है। पैच टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम इस सिग्नेचर को यहां से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करके रखेंगे और इसे इसी के आसपास में जो भी कलर हमें दिखाई देता है इससे मिलता जुलता वहां पर ले जा करके इसको छोड़ देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर सिग्नेचर था वो बिल्कुल आसान तरीके से रिमूव हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई सिग्नेचर था। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिग्नेचर यहाँ से गायब हो चुका है।
इसी तरीके से हमें इस वाले सिग्नेचर को भी यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ से हम इस वाले सिग्नेचर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको इसे उठाकर यहाँ नहीं रखना, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इसे यहाँ से उठा करके इसके आसपास की शेड में ही यहाँ पर ले जा करके रखने वाले हैं इस तरीके से। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर छोड़ा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो सिग्नेचर था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है, और थोड़ा बहुत तो हमें ये फ़र्क पता चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ये पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से सिग्नेचर यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज़ का इस्तेमाल आपको गलत काम के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने वापस से सिग्नेचर पर, यहाँ से सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करके रखेंगे और अपनी इस फाइल पर वापस से आएंगे और यहाँ से ला करके इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके हम यहाँ से सिग्नेचर को छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है और ये बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, और अगर आप इसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो ये बहुत ही क्लियर प्रिंट आएगा। अब हम इसे मर्ज करेंगे, तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट ई करने से होगा क्या कि हमारी सभी लेयर्स यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी, और अब हमें ये जो पैन कार्ड है इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो कट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है क्रॉप टूल पर, यहाँ पर आपको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से केवल पैन कार्ड को यहाँ से क्रॉप कर लेना है और उसके बैकग्राउंड को यहाँ से क्रॉप कर लेना है। तो ये काम आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सिग्नेचर को फिलहाल यहाँ से हटा लेते हैं और उसके बाद इसको हम वापस से यहाँ से ड्रैग करके राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी वापस से एक और कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम इसे वापस से यहाँ पर सेट करेंगे, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से हम पैन कार्ड को कट करेंगे। कंट्रोल के साथ प्लस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से आपको इस तरीके से पैन कार्ड को कट कर लेना है। कंट्रोल के साथ प्लस का इस्तेमाल करके हम इसे जूम करेंगे और यहाँ से आपको जो क्रॉपिंग करनी है वो ध्यान रखना है कि जो आप क्रॉपिंग करेंगे उसमें ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, हल्का सा आपको इसे भी सेलेक्ट करके उसके बाद क्रॉप करना है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से क्रॉपिंग करते हैं और इसमें हल्का फुल्का मार्जिन आपका वाइट रह जाता है, और जब आप पीवीसी कार्ड का प्रिंट करेंगे तो ये वाइट कलर का मार्जिन आपको आपके पीवीसी पर भी दिखाई देगा और ये डुप्लीकेट जैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेना है। आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये कलर कट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल यहाँ पर इतना मार्जिन लेते हुए एंटर प्रेस करना है। इसी तरीके से यहाँ से भी आपको हल्का सा इसके ऊपर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आपको जो मार्जिन लेना है वो थोड़ा सा इस तरीके से इतना लेना है, वाइट मार्जिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसी तरीके से नीचे की तरफ से भी हम यहाँ से इसके मार्जिन को कट कर लेते हैं। इस तरीके से जूम करेंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वाइटनेस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद आप इसको कंट्रोल एस करते हुए यहाँ पर जेपीजी को सेलेक्ट करते हुए इस फाइल को आप किसी कोई भी नाम देते हुए यहाँ पर इसे सेव कर दीजिए। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड को भी कट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और कर लेनी है, यहाँ पर वापस से आपको कंट्रोल एम का इस्तेमाल करना है, यानी कर्व का इस्तेमाल करना है। यहाँ से इसकी जो कर्व लाइन है इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ उठा लेना है। इससे होगा क्या कि आपका जो पैन कार्ड है वो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि जब हमारा पैन कार्ड ईमेल पर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। तो दोस्तों यहाँ से जब आप इसे लाइट कर देंगे तो इसका जो प्रिंट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम इसे कंट्रोल एस के माध्यम से वापस से सेव कर लेते हैं इस फाइल को। यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसी फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी होगी वो मैक्सिमम 12 रखते हुए आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड होगा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपको बैक को भी कट कर लेना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसका पीवीसी कार्ड पर प्रिंट निकालेंगे। तो दोस्तों पीवीसी कार्ड को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हमारे पास जो प्रिंटर है वो एप्सन का L8050 है, तो हम उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। यहाँ से हम डालेंगे फोटो प्लस, तो आप देखेंगे यहाँ पर एप्सन फोटो प्लस का आपको एक टूल दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कार्ड का साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप लेना है और यहाँ पर आपको वन साइड रखते हुए यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो ट्रे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो एप्सन प्रिंटर है वो एक साथ दो पीवीसी कार्ड को प्रिंट कर सकता है। तो हम यहाँ पर केवल पहले वाले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड इमेज का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम फ्रंट साइड को प्रिंट करने वाले हैं, फ्रंट साइड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे,
ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड इस तरीके से हमें दिखाई देगा। यहाँ से हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इसको हम ड्रैग करके इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वाइटनेस बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप बाहर की तरफ भी रख सकते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हमें केवल स्टार्ट प्रिंटिंग पर यहाँ पर क्लिक करना है। स्टार्ट प्रिंटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फिर से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ से प्रिंटर की ओर सेंड कर दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये पीवीसी कार्ड है। इस पीवीसी कार्ड को हम नंबर 1 ट्रे पे लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रिंटिंग की सेटअप किया है वो 1 नंबर ट्रे पे ही किया है। तो हम यहाँ पर एक नंबर पर अपने पीवीसी कार्ड को यहाँ पर पिक करने वाले हैं। आपको इस तरीके से टच करके देख लेना है तो ये इसके साथ आउटसाइड नहीं जा रहा है। उसके बाद अब आपको इसे मशीन में प्लग इन करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कमांड आ चुकी है। हम वापस से कार्ड को एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको वाइटनेस जो आपको दिखाई दे रही है वाइट लगी है इसके बीच में ही आपको यहाँ पर रखना है। इससे ज़्यादा ट्रे को अंदर नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो मशीन है यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रिंट यहाँ पर इनवीट हो चुका है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर बैक साइड सेटअप करना है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हुए डिलीट करेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस से इमेज को इम्पोर्ट करेंगे इसके बैक साइड को। यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको फटाफट इस तरीके से सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको आउटसाइड बाहर रखना है ताकि इसका जो वाइटनेस है वो यहाँ पर पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ना हो। इसके बाद बाहर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर वापस से स्टार्ट प्रिंटिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते हुए आप देखेंगे प्रिंटिंग यहाँ से वापस से सेंड कर दी गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपको जो अपना पीवीसी कार्ड पलटना है वो कैसे पलटना है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं आपको एक हॉल दिखाई देगा। इस पर आपको पुश करना है। पुश करते ही आपका कार्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसको आपको इस तरीके से पलटना है। ध्यान रहे अगर आपका फोटोग्राफ यहाँ पर है तो आपको इसको अपोजिट साइड में ऐसे यहाँ पर लगा करके ऐसे सेट करना है और उसके बाद आपको इसको मशीन के अंदर एंटर करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सिग्नेचर है वो कितना बेटर यहाँ पर प्रिंट हुआ है।